अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चीज़ी से और बहुत ही चटपटे से पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हैं बैटरनट कट्स पोटैटोस, इनको हम कर लेंगे डीप फ्राई। जब हमारे पास ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हमें इसको ऑयल से स्ट्रेन कर लेना है। अब हमने अपने फ्राइज़ को सेट कर दिया है एक मोल्ड पर और उसके ऊपर डाल दिया है चेडर एंड मोज़रेला चीज़ को श्रेडेड करके। इसके साथ साथ हमने दोनों चीज़ को अच्छे से बिल्कुल श्रेड करा है। तो उसके अलावा हम डालने जा रहे हैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। हमने पिज़्ज़ा सॉस को बिल्कुल ही स्प्रेड कर दिया अच्छे से, इसके ऊपर फुल लोडेड हो गई है। इसके अलावा हमने चिकन टिक्का डाला है। चिकन टिक्का की रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, जो मैं पहले सिखा चुकी हूँ। फिर हमने चॉप्ड ऑनियन को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है और हमने स्प्रिंकल किया है इस पर कैबेज, इसको जूलियन कट में काट के हमने पहले से तैयार कर रखी थी। इसके अलावा हमने ऐड कर देना है इसमें स्मॉल क्यूब्स ऑफ कैप्सिकम। जी गाइस, तो शिमला मिर्च भी हमने अच्छे से पहले ही रेडी कर ली थी, इसको भी हमने स्मॉल क्यूब्स में इसके ऊपर स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर दिया है। और अब हम कर देंगे इसको कवर। श्रेडेड चीज़, मोज़रेला एंड चेडर दोनों चीज़ से ही हमने इसको कवर कर देना है, फुल एकदम लोडेड से हो जाएंगे। और फिर हमने इसके बाद ऐड कर देना है, इस पर हल्का सा स्प्रिंकल करना है रेड चिल्ली पाउडर को। हमने इसको रख देना है बेकिंग के लिए 5 मिनट्स में और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, पिज़्ज़ा फ्राइज एकदम तैयार हैं। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। At the end, thanks for watching guys, please don't forget to subscribe my channel.